बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके नर्स। पंजाब के 28 DHQ हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट की कोई अपडेट नहीं दी जा रही, मगर एक बावसूक न्यूज़पेपर को अनऑफिशियली ये बयान दिया गया है कि जल्द ही 28 DHQ के नर्सिंग कॉलेजेस में BSN जेनेरिक नर्सिंग की क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। और ये न्यूज आर्टिकल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जल्द ही आपके साथ हम इसको डिटेल से भी शेयर करेंगे, मगर इस वक्त सिर्फ आपके साथ ये न्यूज शेयर कर रहे हैं कि जल्द ही क्लासेस का आगाज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज आर्टिकल। मगर सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ही नहीं हुई और ना ही किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग दी है, तो क्लासेस का आगाज कैसे किया जाएगा और कौन करेगा क्लासेस का आगाज। मगर अफसोस और सद अफसोस के विद इन 7 डेज यानी 31 अगस्त को मुकम्मल 3 महीने पूरे हो जाएंगे एडमिशन के लास्ट डेट से, मगर अभी तक कोई भी डेट नहीं दी गई कि कब डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट। और इस पर अब ये कहना कि जल्द क्लासेस का आगाज हो जाएगा काबिले मुजम्मत है। इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा गया है, डिप्लोमा खत्म करने के बावजूद 28 नर्सिंग कॉलेजों में जल्द ही BSN की क्लासेस शुरू होने की तवक्को, सालाना सिर्फ 1400 नर्सिस तालीम कर सकेंगी। जल्द ही आप लोगों के साथ ये मुकम्मल आर्टिकल विद रियलिटी एंड बैकग्राउंड शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।